Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फलेषु कदाचन कि हे मानव, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की इच्छा न रखते हुए तू अपना कर्म कर। तुम्हारे कर्मों का क्या फल होगा, किस प्रकार किस जन्म में प्राप्त होगा, इसका न्याय करने वाला तू नहीं, तेरा परमात्मा है। तू कर्म कर, निष्काम भाव से कर्म कर। कर्म ही तेरा अधिकार है, कर्म ही योग है। इसलिए जो मनुष्य संभाव से अपने कर्तव्य कर्म को करते हैं, वही सच्चे कर्म योगी हैं। जब सूर्य उदय होता है तो कितने रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन हम उसी रास्ते से जाते हैं जो श्रेष्ठ है। उसी तरह कर्म भी अनेक हैं, अच्छे बुरे। ए, कल का छोकरा अभी से याद की सफाई दिखाता है, मेरे बेटे को हाथ लगाता है। चुप बैठ। लेकिन मेरे फल? तेरे फल तेरे नहीं, इसके फल उसका जो उठा ले। जानता है किसका बेटा है? मेरा, मेरा शंकर का, गांव के जमींदार का। चलो मोहन। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इतने अच्छे घर का है, लेकिन समय ने कैसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। अरे रे, वो बेचारी तो लोक कल्याण के लिए मरती है, और इसको देखो, देखो इसके कर्म। ऐसा समझ, जैसा कर्म तू करेगा वैसा ही फल पाएगा। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा, ये निश्चित है, अटल है। इसलिए जो भी कर्म तू करे, निष्काम भाव से अपने प्रभु को समर्पित करता चल। प्रभु ने स्वयं ही कहा है, मामेकम शरणम ब्रज, तू सारे आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ। जमुना, ओ जमुना। जी दीदी। तेरी माँ का ताप कैसा है री? कल से अच्छा है दीदी। दवा मत छोड़ना वैद्य जी की। जी दीदी।
इतने सारे सेब कहाँ से ला रहे मोहन? खाने के लिए। लेकिन तो तुम जानना चाहती हो वो कैसे लाया? उस रास्ते पर चलकर लाया जहां आदमी हाथ बढ़ाकर जो चाहे उठा सकता है और सारा जीवन उस अनदेखे अनजाने भगवान के सामने हाथ बांधकर बिगड़ाना नहीं पड़ता। लेकिन ये उम्र, ऐसा काम, नहीं नहीं, ये सब अच्छा नहीं। कैसी उम्र, कौन सा काम, क्या अच्छा नहीं? दुनिया वाले फल खाएं और मेरा बच्चा मुंह खोले ताकता रहे। मोहन, इस फल का भगवान को भोग लगा। ताकत से लाए हुए फल खाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत वो इस भगवान में कहाँ? भगवान को चोरी के फल चढ़ाए तुमने? तुम जिसे चोरी कहती हो मैं उसे हिम्मत कहता हूँ, हिम्मत। ये क्यों नहीं कहते, बेटा बाप का हाथ पकड़कर बाप के ही रास्ते पर चल रहा है। तो क्या माँ का पल्लू पकड़कर घर बैठा भजन गाएगा, भूखो मरेगा? तुम जिसे पाप का रास्ता कहती हो देवी, वही एक रास्ता है सैकड़ों भूखे नंगे इंसानों के लिए जीने का, और जीना ही सबसे बड़ा पुण्य है देवी। तुम्हारी ये सुबह शाम की गीता इनका पेट नहीं भर सकती, नहीं भर सकती। दुनिया हमारे गले पर छुरी रखे, हम दुनिया के गले पर छुरी रखेंगे। चुप हो गई, बोलो। जब घर आओ, बरसों से यही उपदेश, यही गीता, यही संस्कारों का पचड़ा, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, इस चक्कर को खत्म करो। कर्म और धर्म का संबंध कैसे खत्म हो सकता है? तो फिर तुम्हारा और मेरा संबंध खत्म हो सकता है। आग लगाओ इस घर को। चल रे मोहन, वहां जहां एक हाथ से कर्म करो और दूसरे हाथ से फल लो, तुरंत। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तो बोलो, हमारे साथ हमारे रास्ते पर चलोगी? सोच लो, तुम्हारा धर्म जिसे पाप का रास्ता कहता है, चलो छोड़ो। तुम्हारा मेरा इतना ही साथ लिखा था, आज से शंकर दुर्गा के लिए मर गया। नहीं, ऐसा मत कहो, तुम्हारा दूसरा बच्चा आने वाला है संसार में, कुछ कुछ उसका तो ख्याल करो। ये गरीब शंकर कौन होता है ख्याल रखने वाला? जो भगवान तुम्हें बच्चा देगा वही उसका बाप बनकर पालन पोषण भी करेगा। स्वामी, दुर्गा, तुम्हारे ढंगों की कच्ची पक्की दीवारों में रह रहकर शंकर तंग आ गया है, तंग आ गया है। अब वो खुली हवा में जीना चाहता है, खुली हवा में जीना चाहता है। चल मोहन, चल। सुनो, तुम इसे भी साथ ले जाओगे? इस बच्चे ने ही तो जीना सीखना है, मैं इसे तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता दुनिया की भूख प्यास निगलने के लिए। अब ये सीखेगा पैसा कैसे कमाया जाता है, मोटरों में कैसे घुमा जाता है, होटलों की रोशनी में कैसे जगमगाया जाता है। वो फल, फल वाले को दे देना तुम्हारी पुण्य की थैली और भर जाएगी, और देखो वो भगवान तुम्हारा ख्याल रखेगा और मैं उस भगवान का ख्याल रखूंगा। मोहन,
शंकर का बेटा कभी थक सकता है? नहीं, कभी नहीं। चल जल्दी, अभी तो बहुत चलना है। देखो तुम, दिखाई नहीं देता? गाड़ी चलाते हैं साले। ये लो 10 रुपए। यहां वहां कोई डॉक्टर होगा उसे दिखा देना, मुझे देर हो रही है, बंबई पहुंचना है। बंबई पहुंचना है, मुझे देर हो रही है। अरे वाह, क्या कहने, गाड़ी चलाने का मतलब है कि हमको डीजे ले लगा चल तो को। 10 रुपए दिखाता है, कहता डॉक्टर इधर उधर होगा। चल बेटा ले चल डॉक्टर, क्या जल्दी कर। ओहो, क्या मुसीबत है, कहां फंस गया मैं। तो बीबी उठा। ये
इधर। ये क्या बदतमीजी है? गाड़ी रोक दो। अरे मोहन इधर आ, देख कितना बड़ा समुंदर है, कितनी सारी नाव है। अरे देख तो सही, देख अच्छी तरह। हाँ अपने गांव से तो लाखों दर्जे ज्यादा अच्छा है। तुझे पसंद है ना बेटे? हाँ बाबू मुझे पसंद है। तो फिर हम यहीं रहेंगे, ये आज से हमारा हो गया। हाँ और काका। मकान तो अपने को पसंद आया लेकिन है बहुत बड़ा। हाँ बराबर छे। आज वाट आज से 30 बरस पहला लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला होता। क्या? ये बोला होता कि तो मेरा बंगला बहुत बड़ा है, इसका वास्ते ये बात मेरे दिल के अंदर लग गया। मैंने ये मकान किसको नहीं दिया, खाली रखा। यार 30 बरस का बाद तो मेरे जैसा मरा डाली दरिया का किनारा का ऊपर मिल गया, इसका वास्ते आज 30 बरस का बाद बंगले का दरवाजा खुलता है। करो डिका करो, 2000 रुपया करो। 2000 कितना हुआ? 2000 रुपए। एक ने बे, एक ने बे, 2000। 2000 पूरा 2000। भगवान की कृपा से तू लगा भी ने काम करो तू। ए बे टाइम कहां पहुंच गए? इनका मकान पुलिस का है। ए बाबू पुलिस पुलिस, अरे मैं मेरे को बचा, मेरे को किधर छुपा दे, मेरा काका मेरा दादा। ए डिका बैठ कर, बैठ कर। ए इस बैठ कर, इसको ले बजाने का। ए बैठ कर, ए तमेरा खिलौना है क्या, इसको नहीं बजाने का। हां देखो देखो दिख रहा, बजाएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। जब बचता है ना तो इधर का मवाली लोग, गुंडा लोग, बदमाश लोग, दारू वाला लोग सब भाग जाता है। वो जोकर का काम है इसको ना बचाने का। इसका काम किसका काम है मालूम है? पुलिस का काम है। बहुत गुलाब जो छोकरा जो है, किसका छोकरा है? मेरा छोकरा है। मेरा छोकरा ना तो फिर तो बहुत अच्छा है। तो बाबा मारा छोकरा मारा छोकरा, हूँ जाऊँ छोड़ा सवारे हूँ तुमने रसीद टापू। आप छो कई काम पड़ से ने तो मैंने फोन कर लू। मारो नंबर छे 342096। सो 342096 342096 खबर पड़े 342096 342096 एडवांस। शाबाश मोहन, आखिरकार बेटा किसका है? तुम दरसी इच्छा का चुनाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। लगता है वो वापस आ गए। आप? मैं आ गया दुर्गा। जब मैंने सुना कि शंकर तुम्हें छोड़कर चला गया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे दुर्गा के पास जाना ही चाहिए, और मैं आ गया दुर्गा। क्यों आए हैं आप? वो भी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। अरे हाथ कंगन को आरती क्या, अपने पति के कारनामे तो जानती हो तुम। अगर आप उनके खिलाफ कुछ कहने आए हैं तो आप जा सकते हैं, मैं एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती। मैं कौन, मेरी जात कौन जो शरीफ आदमी के खिलाफ एक लफ्ज भी मुझसे निकालूं? लेकिन लेन देन की बात तो हो ही जाए। और तुम जानती हो कि शंकर ये मकान गिरवी रखकर बरसों से मुझसे पैसे लेता रहा। जी? और असल की बात छोड़ो, सूद के नाम पर एक पाई भी नहीं चुकाई। लेकिन मैं महाजन आदमी कब तक इंतजार करता, मैंने कोर्ट में दावा कर दिया और ये देखो कोरट की डिग्री मुझे मिल गई है और कोरट का आदमी साथ लाया हूँ। मकान का कब्जा लेने के लिए? नहीं नहीं नहीं, तुम बुरा नहीं मानो, कोरट के आदमी को मैंने बाहर ही खड़ा रखा है। मेरा मतलब है, मेरा मतलब कि मैं तुमसे दो बात तो कर लूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम चाहो तो अभी भी रह सकती हो। नहीं सेठ जी, अपने पति के सर पर कर्जा रखकर मुझे इस मकान में रहने का कोई मोह नहीं है। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा कि मेरे घर छोड़ने से मेरे पति आपके कर्ज से छुटकारा पाए। अरे वाह रे तुम्हारा प्यार है? और वो भी उस पति के लिए जो आप तो आप गया, साथ में बच्चे को भी ले गया तुम्हें बेसहारा करने के लिए। मैं सिर्फ अपना कर्तव्य जानती हूँ। सेठ जी बोलो, आप अपना मकान संभालिए। अरे मैं पूछता हूँ तुम जाओगी कहाँ? कहीं भी।
भगवान की दुनिया बहुत बड़ी है। अरे दुर्गा, ऐसी हालत में तुम कहाँ कहाँ भटकोगी, जरा समझो, तुम माँ बनने वाली हो। तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण भी तो कारागार में पैदा हुए थे। इस घर का अब सब कुछ आपका है सेठ जी, मैं सिर्फ अपने भगवान अपने साथ लिए जा रही हूँ। दुर्गा दुर्गा, जरा सोचो दुर्गा। बेटी यहाँ क्यों खड़ी हो, भूखी प्यासी लगती हो, आओ भोजन करो। भोजन? यहाँ सभी लोग भोजन कर रहे हैं, तुम भी करो। ये सब क्या हो रहा है? बेटी ये सदा व्रत है, यहाँ सारा दिन भंडारा चलता रहता है, यहाँ से कोई भूखा प्यासा ना लौटे, यही सेठ जी का हुक्म है। बड़े परोपकारी हैं आपको सेठ जी। अजी इसमें उपकार काहे का, ब्याज पर ब्याज चढ़ाकर खूब गरीबों को लूटा है इस सेठ ने, कितनों को बेघर कर दिया, कितनों की जायदाद निगल ली, अब मुट्ठी भर अन्न बांटकर इन गरीबों को बड़ा धर्मात्मा बन रहा है ये सेठ पापिष्ट। अजी पंडित जी जो भी मिलता है ले लीजिए, पाप पुण्य की पूछताछ में पड़ोगे तो भूखे मरोगे भूखे। ये कुमड़ी गन्ना तो छी छी छी, जाओ जाओ हाथ मत लगाओ, भागो। हे भगवान, इस पाप के अन्न पर पुण्य का निर्माण कैसे होगा? कैसी मूर्ख औरत है, अरे भरी थाली को ठोकर मार कर जा रही है। सच कीरा काटो ते भरी, दुख कदम कदम पे आता है, जो दुख और सुख में एक रहे वो ही कर्म योगी कहलाता है। बाबू, क्या बात है जो बच्चे को चाकू के नीचे दबा रखा है? बाप का माल है जो उठा लाया। अरे भाई ये तुम्हारे बाप का माल है तो तुम ले जाओ, और अगर ये माल भी तुम्हारे बाप का है तो ये भी ले जाओ। तुम्हारे बाप का और ये तुम्हारे बाप का। Thank you.
अच्छा, तो तुम वो चोर हो जिसने हमारा माल चुराने की जुर्रत की। ताकत मुझ में कुछ ज्यादा है। पहले ही बार में चित होना चाहते हो? कौन हो तुम? आदमी तो अच्छा हूं उस्ताद, लेकिन जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं दुनिया उसे बुरा कहती है। क्या मतलब? मैं अपने हर कर्म का तुरंत फल चाहता हूं, ना मेरे पास समय है ना सबर के फल का इंतजार करूं। अच्छा, तो गया तुम एक दिन में सुल्तान बनना चाहते हो। तुम ठीक समझे, लेकिन तुम बुराई के रास्ते पर चलकर सुल्तान के बजाय भिखारी भी बन सकते हो। कभी नहीं, कभी नहीं। पाप की इस दुनिया में नेकी का कोई खरीदार नहीं, समझे? लेकिन नेकी के नाम पर की गई बुराई की सारी दुनिया खरीदार है। तुमसे मिलकर आज मुझे पहली बार यह एहसास हुआ है कि मैं भी एक शरीफ आदमी हूं। मिलाओ हाथ। प्रभु, हे दीन दयाल, कष्ट करो। ओम 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 मामी कम शरणम रहत। जंगल में बच्चे क्यों नहीं? क्या बस देखो, जा जा जा, देखिए देखिए चल। ओ गॉड, किसी औरत ने बच्चे को जन्म दिया है, है? ये तो बेहोश पड़ी है। ये तो दुर्गा बहन लगता। दुर्गा बहन? शर्म गांव की दुर्गा बहन? ओ लॉर्ड, क्या एक नेक इंसान को हमेशा यूं ही तकलीफें उठानी पड़ती हैं? क्यों भाई, कैसा रहा तुम्हारा सफर? सब इंतजाम तो ठीक ठाक था ना? तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं। ओ थैंक यू, काम तो हो गया ना? कैसा लगा तोहफा? अच्छा है। अच्छा है? लगता है तुम पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। माल कहाँ है? दे तो दिया। कमाल करते हो, कब दिया? अभी तो। किसको? अरे तुमको। हाँ यार शंकर, देखो 50 लाख के हीरे हैं, ऐसा ना हो कि मजाक मजाक में हार्ट फेल हो जाए। मियाँ, हार्ट फेल होने की तो बात है, इसलिए तो ये माल दो बार नहीं दे सकता। लेकिन है कहाँ? जय काली कलकत्ते वाली, दोनों हाथ बजाए ताली, चौबाई थी पीपल की डाली, छुर्रे मंतर फुर्रे मंतर। ये आजा बच्चे, आजा आजा आजा, ये देखिए 50 लाख चमकते हुए। जब सुना कि तेरे बच्चे की तबीयत खराब है तो सचमुच बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। रहा न गया ये सुन के कि बेटवा की तबीयत खराब है। 4 कोस से धूप में पैदल चल कर आया हूँ, न भूख देखी न प्यास, ले समान अपनी अमानत, तेरी इस मुसीबत के वक्त काम आएगी। सेठ, मैं सब समझती हूँ तुम्हारी चालें, निकल जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त और ले जाओ अपने ये काले कर्मों की कमाई, मेरे से कोई लेन देन नहीं। अरे दुर्गा, लेन देन तो इस घर से मेरा लगे ही हुआ है। शंकर ना सही, शंकर का बेटा सही। दुर्गा, मैं पराया जरूर हूँ,
बुरा भी हूँ, लेकिन इस वक्त तेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है ना। कल को इस बच्चे को बिना दवा दारू के कुछ हो गया तो भगवान ने दिया है, भगवान वापस ले ले तो उनकी इच्छा, और फिर इस पाप के धन पर मेरा बच्चा जिया भी तो क्या जिया। मोहन, ये है हमारा नया घर बेटे। कितने दिन चलता है ये, कितने दिन चलता है। काहे रेत के महल बनाता, झूठे फल से तू क्यों इतराता। जैसी लिखेगा कर्मों की रेखा, जैसी लिखेगा तू कर्मों की रेखा। देना होगा दिल दिल का लेखा, देना होगा दिल दिल का लेखा। तेरे जीवन का है कर्मों से नाता, तू ही अपना भाग्य बिगाता। जैसी लिखेगा कर्मों की रेखा, जैसी लिखेगा तू कर्मों की रेखा। देना होगा दिल दिल का लेखा, देना होगा दिल दिल का लेखा, देना होगा दिल दिल का लेखा, देना होगा दिल दिल का लेखा। मांगे सही है, आपके साथ इंसाफ होना चाहिए, तो ये तोड़फोड़ का रास्ता छोड़कर आपको शांतिपूर्वक तरीके से चलना होगा। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि प्रिंसिपल साहब को अपने ऑफिस तक जाने दीजिए, आपके साथ इंसाफ होगा और जरूर होगा, ये विश्वास समझ रहा था आपको। हटे आप सामने से। आइए सर। खामखा के जिद से किसी का भला नहीं होगा सर, बात और भी बढ़ जाएगी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप स्टूडेंट से एक बार फिर मिल लें, उन्हें हमदर्दी, प्यार और न्याय की जरूरत है, और मुझे विश्वास है वो आप ही से उन्हें मिल सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ इतना सर कि इन्हें एक मौका और दिया जाए, और जिस पेपर में सिलेबस के भाग के सवाल पूछे गए हैं उनके इम्तिहान फिर लिए जाए। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। इतने अच्छे स्टूडेंट होकर तुम हड़तालियों का साथ दे रहे हो, तुम्हारी माँ सुनेगी तो क्या सोचेंगी? वो सोचकर बहुत खुश होगी सर, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया। बड़ा खड़ूस बुड्ढा है अपना प्रिंसिपल, ये स्ट्राइक तो फेल ही समझो। अपना लीडर भी कोई कम नहीं, साला न्याय न्याय करते सूली चल जाएगा। प्रिंसिपल आ गए।
मैं हर किस्म की स्ट्राइक के खिलाफ हूँ, मगर आप लोगों की मांग में मुझे सच्चाई नजर आती है। इस पेपर में इम्तिहान दोबारा होगा। यंग मैन, आर यू हैप्पी? थैंक यू सर। बात करनी तक ना तुमको आती थी, ये हमारे सामने की बात है जी। पर वाह वाह, आज तो तुम छा गए, सारे स्टूडेंट की जुबान में बस तुम्हारा ही नाम है। आपकी जरा नवाजी है। लेकिन दूसरे से लिखवाने के बजाय अगर तुम्हारा खुद का भाषण होता तो ज्यादा अच्छा था। किरण देवी जी, आप ये बताने का कष्ट करेंगी कि ये भाषण किसने लिख कर दिया था? यार दूसरों के सामने भले ना मानो, लेकिन अकेले मानने में कैसी शर्म। अरे मैं समझा नहीं, जरा समझा तो सही। बड़े भोंदू बनते हो, कल मैंने नहीं लिख कर दिया था? कुतुब मीनार देखो, बंबई शहर की बाहर देखो, ये आगरे का ताजमहल, घर बैठे सारा संसार देखो। मुझे ताजमहल बनवा देना। ताजमहल? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम मुमताज हो और मैं शाहजहां। अरे पागल, जब दो प्यार करने वाले आपस में मिलते हैं तो लड़का शाहजहां होता है और लड़की मुमताज, और वो जहाँ खड़े होते हैं वो ताजमहल होता है। यानी ये ताजमहल है? जरा उधर देखो। बेगम मुमताज साहिबा, आपके ताजमहल में कोई फरियादी चिल्ला रहा है। जो धरती पर देखकर नहीं चलते हैं ना, उन्हें हमेशा ठोकर लगती है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अजय बेटे, कॉलेज के बाद क्या पढ़ाई हो रही थी? बाबा बात दरअसल ये है कि वो किरण कह रही थी कि क्या कह रही थी बेटी? हाँ बाबा, कहना ही पड़ता है, ये जो अजय है ना, इसके मुंह से तो बस कर्तव्य, ध्येय, निष्ठा, समाजवाद, सुधारवाद, राष्ट्रवाद, ऐसे मोटे मोटे शब्द सुनाई देते हैं। मैंने कहा महाराज, कभी छोटे छोटे शब्दों का भी इस्तेमाल किया कीजिए, जैसे घर, आंगन, चूल्हा, बर्तन, आलू, बैंगन, लेकिन ये तो कभी ध्यान ही नहीं देता। क्यों माँ, आप इस अजय की शरीर से? अजय बेटा, यू वेरी लकी, तुम एक देवी जैसी माँ के बेटे हो। थैंक यू सर। अच्छा तो बहन जी, मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मिलकर मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया है कि इंसान वही बनता है जो उसके माँ बाप उसे बनाना चाहते हैं। मोहन, मोहन, आ रहा हूँ बापू, मुझे मालूम है केशवलाल हमारा इंतजार कर रहा है, चलो। होते चले, गाड़ी भी पिक करनी है और फिर एक बाजी भी हो जाए। बच्चू, उस दिन की बिताई भूल गया जो आज फिर बापू से पत्ते खेलने चला? बापू, ये रही 2000 की और ब्लाइंड दो पत्ते, देख ले बुद्धू हार जाएगा। मैं देखकर चल रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ये बाजी मेरी है। मैं कब कह रहा हूँ मेरी है, शो कराइए और ले जाइए।
ये रहे 2000 और। बच्चू मेरे जाने का वक्त हो रहा, नहीं तो मैं तेरे कपड़े भी इस टेबल पे लगवा देता। बापू सब कुछ आप ही के तो लिया दिया है। अच्छा अच्छा चल अब शो कर। एक दो तीन चार। यक्का 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 बाबू तीन यक्के चार यक्के तो देखे भी थे और खेले भी थे, लेकिन एक ताश में 6 यक्के। लगता है बाबू हम दोनों में से कोई चालाकी कर रहा है। बहुत खूब बेटे बहुत खूब, तू जरूर मेरा नाम रोशन करेगा। बाप से भी 2 कदम आगे बढ़ चुका है तू। बेटा किसका हूँ बाबू, हार नहीं सकता। हेलो एवरीबॉडी, आप मुझे जानते हैं? पहचानते हैं? बोलिए बोलिए मैं कौन हूँ? ला 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 मोहब्बत हूँ, हकीकत हूँ, जवानी हूँ, कयामत हूँ, कौन कौन है मेरा मैं, कौन कौन है मेरा मैं, हाथ उठाओ जंतर हाथ उठाओ जाने। मोहब्बत हूँ, हकीकत हूँ, thank you.
इस काम में तुम्हारा 20 और हमारा 80 हिस्सा होगा। क्या बात है शंकर, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है या नहीं? अभी तक तो हम आधा आधा बांटते रहे हैं, आज ऐसी कौन सी बात हो गई है? अब मोहन भी हिस्सेदार है हमारे साथ। अगर मैं ये हिस्सेदारी न मानूं तो? ये तो मंजूर करना ही पड़ेगा। केशव, तुम यहाँ बैठकर कुर्सी गरम करते हो और हम अपनी जान पर खेल कर ये काम करते हैं। दो लफ्जों में जवाब दो कि ये 20 और 80% का सौदा तुम्हें मंजूर है या नहीं? धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं केशव, इसे एक अच्छा मशवरा समझो। शंकर, तुम जानते हो कि हम इस छोटी सी बात के लिए इतने बरसों की दोस्ती को खत्म नहीं करेंगे। हमें यह हिस्सा मंजूर है। बाबा बताइए ना, कैसी खुशखबरी है? बताता हूँ, जरा सब से काम लो, अभी बताता हूँ। ये देखो, किरण की तस्वीर। किरण की तस्वीर अखबार में? हाँ, स्पोर्ट्स में फर्स्ट आई है। मेरी बहन स्पोर्ट्स में फर्स्ट आई है? ये सब आपकी मेहरबानी है बाबा। नहीं, भगवान की मेहरबानी और तुम्हारी कुर्बानी। कितनी बड़ी हो गई है ना? गॉड ब्लेस हर, बड़ी हो गई, सियानी हो गई। बाबा मैं ये तस्वीर अपने पास रख लूं? रात भर नाचने के बाद जब मैं अकेले होंगी थकी हुई, तो ये तस्वीर उन तन्हा घड़ियों का सहारा होगी। इसीलिए तो कहता हूं तुम एक बार। अरे हाँ बाबा, मैं तो भूल ही गई, ये लीजिए। बाबा किरण बड़ी हो गई है, उसके खर्चे भी बढ़ गए होंगे, जरा देखिए उसे किसी बात की कमी ना हो। तुम तो माय चाइल्ड इस तरह बातें कर रही हो कि तुम उसकी बड़ी बहन नहीं बल्कि दादी अम्मा हो। किरण तुमसे 2 साल छोटी है ना? कुछ भी हो बाबा, छोटी तो है ना। बेटा मेरी एक बात ध्यान से सुनो, किरण समझदार है, जिम्मेदार है, उसे ही मैं सब कुछ कब तक छिपा कर रखूंगा। मुझसे पूछती है, जिद करती है कि देवी कौन है जो उसके लिए सब कुछ कुर्बान करती है। माय चाइल्ड, तुमने उसे फूल की तरह रखा, आंसुओं से सींचा और धूप छांव से बचाया। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम उसे मिल लो, उसकी दीदी बन के रहो, उसको बहन का प्यार दो। आप चाहते हैं कि मैं उसे हमेशा के लिए खो दूं? जिस माहौल से, जिस गंदगी से दूर रखने के लिए मैं जिंदगी बिता रही हूँ, आप चाहते हैं कि मैं उसी गंदगी से उसका रिक्शा जोड़ दूं? आज अगर उसे पता चल जाए कि उसे पालने वाली कोई देवी नहीं बल्कि एक कैबरे डांसर है, तो उस पर क्या बीतेगी? नहीं नहीं बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करके उसे कुछ मत बताइए, कुछ मत बताइए। हेलो, गुड इवनिंग फादर। गुड इवनिंग। वुड यू केयर फॉर ए ड्रिंक फादर? नो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ, लेकिन मेरी बात पे गौर करना। गुड नाइट बेबी। गुड नाइट। ये बुढ़ा जो हर महीने तुमसे पैसे ऐंठ ले जाता है, तो ये वाकई तुम्हारी बहन तक पहुंचाता है या अपने किसी गुड कॉज पे खर्च कर लेता है? बाबा मेरे बाप के बराबर है, उनके बारे में जरा सोच समझ कर बोला करो। ओहो, आई एम सॉरी। बात यह है कि आजकल जमाना ही कुछ ऐसा है, कौन किसका एतबार करे। जानती है वो शंकर का बच्चा क्या कह रहा था? कह रहा है कि मेरा सारा कारोबार उन बाप बेटे के सर पर चल रहा है और अब उसे मुनाफे में 80% चाहिए, मुझे सिर्फ 20% मिलेगा। कुत्ता कमीना। लेकिन बापू, केशव मान कैसे गया? शतम प्रति शात्यम, चालाक के साथ चालाकी बरतो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, कौन भीकू? यस बॉस। हाँ बोलो। यहाँ सब ठीक है, बस आप सर। ओके, लेकिन देखो जो भी करो पुलिस की नजरों से बच कर। मैं तो बच ही जाऊंगा बॉस, लेकिन अब शंकर को भगवान भी नहीं बचा सकता।
वेरी गुड वेरी गुड। और सबसे पहले सुबह आकर मुझे इस बात की खबर देना। ओके ऑल द बेस्ट। हरामजादे मुझसे 80% मांग रहे थे। मेरा नाम भी केशव लाल है। लोग अक्सर सोचते हैं मोहन के चोटी पर पहुंचने के बाद आदमी और क्या सोच सकता है। मेरा जवाब है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहा। अब देखिए कि रुकती है जाकर नजर कहां। हेलो पुलिस इंफॉर्मेशन। हाँ जी मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनाने वाला हूं। जी आज रात के 12 बजे बसीन की खाड़ी में स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। मोहन तू उतर मैं वहां जल्दी पहुंचूं। आज तुम नहीं जाओगे मैं जाऊंगा। ये जोखिम का काम है बेटे तेरे बस का रोग नहीं बाप बाप ही होता है। नहीं बाबू आज मैं ही जाऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। आखिर का बेटा किसका है सुरर। चल तेरी और मेरी बात का फैसला ये रुपया करेगा। बोल हेड और टेल। हियर गोज टेल।
आज सुबह सुबह कैसे आना होगा केशव सेठ? आओ चाय पियो हमारे साथ। आज का अखबार देखा तुमने? शंकर गिरफ्तार हो गया। बापू गिरफ्तार हो गया? तस्कर शंकर गिरफ्तार, पुलिस ऑफिसर की हत्या? नहीं केशव, नहीं। मोहन, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझ पर क्या गुजरी? अब तो मेरा इस दुनिया से दिल ही उचाट हो गया है। ये रुपया, पैसा, हीरे, जवाहरात किस काम के अगर इसके बदले में हमें अपना अजीज रिश्तेदार, बाप भाई खो देना पड़े। मेरा तो दाया हाथ कट गया है मोहन। पुलिस? केशव, पुलिस वहां कैसे पहुंच गई? पुलिस वहां पहुंची नहीं, बल्कि पहले ही से मौजूद थी। मतलब? मतलब ये कि ये कोई घर के भेदी का काम है जो हमारी बनाई हुई सोने की लंका में आग लगा देना चाहता है। अब कोई किस पर विश्वास करे? मोहन, अगर तुम शंकर के बेटे न होते तो शायद मैं तुम पर भी शक कर गुजरता। मुलजिम शंकर वल्द हरिदेव, 10 सितंबर की रात को एक पुलिस अफसर के खून के जुर्म में तुम्हें दोषी मानकर ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा दी जाती है। तुम चाहो तो मर्सी पिटीशन यानी रहम की दरख्वास्त कर सकते हो। रहम? अपने कर्मों के लिए रहम की भीख? शंकर, ये शंकर तो कभी उस अनदेखे अनजाने भगवान से भी नहीं मांगेगा। तुम आ गए मोहन, बैठ जाओ। कल सुबह सूरज के चढ़ने के साथ मैं फांसी चढ़ूंगा। ये फांसी दुनिया से मेरा संबंध हमेशा के लिए काट देगी। वो मेरा आखिरी सांस होगा। तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं, नहीं, कभी नहीं। मोहन, तुम यहां इसलिए नहीं आए कि मुझे यकीन हो जाए कि मेरे मरने के बाद मुझे रोने वाला कोई है? हरगिज नहीं। बाबा, मैं पहली और आखिरी बार तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है अपने गांव की। एक ब्राह्मण था, बड़ा सज्जन, दयालु, परोपकारी, भगवान भक्त। उसकी पत्नी भी थी, बहुत पतिव्रता, महान, दयालु, परोपकारी, सज्जन। गीता ही उसका जीवन, उसकी भगवान थी। उनकी पुश्तैनी जायदाद थी, सुख और संतोष में वो जीवन व्यतीत कर रहे थे। दुखियों का दुख दर्द बांटना इस ब्राह्मण का नियम था। यहां तक कि धीरे धीरे उसकी धन दौलत, दया धर्म और दान दक्षिणा में समाप्त हो गए। वो लोग जिन पर उसने अनेकों उपकार किए थे, उन्हीं लोगों ने उसे धोखा दिया। वो गरीब हो गया, वो लोग उसके खिलाफ हो गए। हर भलाई का बदला मुझे बुराई में मिला। बेटे मोहन, एहसान फरामोशों की सड़ी गली दुनिया से मुझे घृणा हो गई। इस घृणा ने मेरा कलेजा पत्थर का बना दिया, पत्थर का। मेरी काया वज्र हो गई। मान लिया, अगर इस दुनिया में जीना है तो दुनिया की गर्दन पर हाथ रख कर जियो, ठोकर मार कर। ठोकर खाकर नहीं। जो इंसान इस दुनिया को ठोकर मार सकता है, दुनिया उसके आगे नाक करती है, नाक। दुनिया उसके आगे झुकती है, दुनिया उसे मानती है। यही इस दुनिया की रीत है। बेटे भगवान, तुम जानते हो कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ, मुझे धोखा दिया गया। ये विश्वासघात किसने किया, क्यों किया? ये धोखा किसने दिया, क्यों दिया? ये तुम्हें ढूंढ निकालना है। पिता की मौत का नहीं, पिता के खून का बदला लेना है। मौत का नहीं, खून का बदला लेना है मोहन।
जाओ। मैंने भी जाना है। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, इस बाप के नर बेटे की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, ना जीते हुए ना मरते हुए। इस जीवन यात्रा में हर स्त्री से दूर रहना, हर स्त्री से दूर रहना। स्त्री एक मूल माया भगवान का भयंकर जाल है। ये सब तेरे काम की नहीं, इन सब का भूल जा। जा बेटे, विजयी हो। किसलिए आए हो ये गीता? आपका प्रायश्चित कराने के लिए। अरे पंडित, तू तो सिर्फ उच्चारी और पुजारी ब्राह्मण है, और मैं जन्म से संस्कारी ब्राह्मण हूँ। तू मुझे क्या समझाएगा गीता? ये गीता तो तुम जैसे डरपोक का बुजुर्गों के लिए है। मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, इसलिए प्राश्चित? किस बात का प्राश्चित? मैं अपनी खुद गीता हूँ, मैं अपनी खुद गीता हूँ। ना जीने से डरा ना मरने से डरता हूँ। हट जाओ और जाने दो मुझे, तुम जैसे सड़े गले लोगों की दुनिया से। अब सर लगाओ हथकड़ी, देर मत करो, लगाओ हथकड़ी। बेटे मोहन, बीड़ी के दो कश तो लगवा दे। तुम्हारा आशीर्वाद है माँ। मेरे पगले, भगवान की कृपा से। चल चल, भगवान के चरणों में प्रणाम कर। चल माँ 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 माँ, ये तुम्हारी आज्ञा, नहीं तो मेरे लिए इस धरती पर तुम ही भगवान हो। बस बस, बातें मत बना, चल चल प्रणाम कर। आ जा, बैठ।
हाथ जोड़। भगवान मेरे बेटे पर दया दृष्टि रखना, ये हमेशा निर्बल का बल बने और निडरता से बुराइयों का सामना कर सके। तथास्तु। माँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, यहां आओ ना। हाँ देखा तुम कितनी अच्छी लग रही हो। माँ मैं अब शहर जाकर वकालत पढ़ूंगा, नौकरी भी करूंगा, अच्छा सा मकान देखकर तुम्हें वहां बुला लूंगा। माँ माँ ये क्या, आज पहली बार तुम्हारी आंखों में आंसू देखा। भावना से कर्तव्य ऊंचा होता है। ठीक है मां, अगर तुम चाहती हो कि मैं बाहर नहीं जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगा, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा मां। खुशी लुटी घर बार गया, छूटा जीवन का साथी, दुनिया के मालिक ये तो बता, अब कौन सी परीक्षा है बाकी। भगवान मेरे मोहन की रक्षा करना, मेरे मोहन की रक्षा करना प्रभु। बेटे मोहन एहसान फरामोशों की सड़ी गली दुनिया से मुझे घृणा हो गई, इस घृणा ने मेरा कलेजा पत्थर का बना दिया, पत्थर का, मेरी काया वज्र हो गई। मान लिया कि अगर इस दुनिया में जीना है तो दुनिया की गर्दन पर हाथ रख कर जियो, ठोकर मार कर, ठोकर खाकर नहीं। जो इंसान इस दुनिया को ठोकर मार सकता है, दुनिया उसके आगे नाक रगड़ती है, नाक, दुनिया उसके आगे झुकती है, दुनिया उसे मानती है, यही इस दुनिया की रीत है। जल्दी करो बेटा, गाड़ी का समय हो गया है। आया माँ। चुप जियो बेटा, अरे दही तो खा ले। माँ माँ कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं तुम्हें जल्दी शहर बुला लूंगा। चेहरा बेटा न जाने क्यों मुझे शहर से बहुत डर लगता है, जो एक बार जाता है वापस नहीं लौटता। माँ अब और खोना नहीं चाहती। कहाँ जाएगी मेरी जान। एक औरत और इतने सारे, कैसे मर गए यार। Oh, my God.
शुक्रिया अदा करूं, आप लोगों ने मेरी जान बचाई, नहीं तो शुक्रिया तो बहुत हुआ, लेकिन आपने जाना कहा, चलिए आपको छोड़ा है, चलिए। अच्छा नमस्ते। तुम क्या करते हो? वकालत पास की है, अखबार निकालने का इरादा है। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा मैं तुमसे इतने सवाल पूछ रहा हूँ? जी नहीं, बेशक पूछिए, आप मेरे बड़े भाई के समान हैं। तुमने बड़ी जल्दी रिश्ते को नाम दे दिया। तो क्या आप सोच समझ के रिश्ता मानते हैं? इसलिए कि मैंने दुनिया देखी है मेरे दोस्त। इस खुदगर्ज दुनिया में बेगर्ज आदमी मिलता कहाँ है? पहले आप विश्वास करना सीख लीजिए, आदमी बहुत मिल जाएंगे। लेकिन मेरी जिंदगी में तो विश्वास नाम की कोई चीज ही नहीं। लेकिन मेरी जिंदगी की बुनियादी विश्वास है। लगता है तो मेरी जिंदगी का दूसरा रूप हो। जी बिल्कुल उल्टा, जैसे सिक्के का दूसरा हिस्सा। ये गंभीर बातें तुमने कहां से सीखी है? अपनी माँ से। काश आप मेरी माँ से मिले होते, फिर ऐसी बातें नहीं करते। दोस्त, काश कि तुम मेरे बाप से मिले होते तो ये फतूर तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आता। देखो, शहर को हमारे कदमों में सजदा करता हुआ नजर आ रहा है। कितनी चमक दमक, कितना हसीन लग रहा है। हसीन? नए हो इसलिए शहर को पहचाना नहीं। पत्थर का है ये शहर, जितनी ऊंची इमारत उतनी ऊंची दीवार। संग दिल, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। सर पटक पटक के मर जाओ तो कोई आवाज न सुन। आप कहना क्या चाहते? भाई मेरे, दयानतदारी ईमानदारी जिसे कहते हैं बहुत पुराने हो चुके। अगर कुछ बनना चाहते हो तो इन आदर्शों को भूल जाओ। सिर्फ इतना याद रखो, दौलत, दौलत से ताकत, ताकत से सत्ता, और फिर दुनिया हमारी मुट्ठी में। हमने तय किया था कि शहर को जीतना है, और देखो आज यही शहर हमारे कदमों में झुका पड़ा है। आप भूलते हैं, आप जिस जगह खड़े हैं इस आसमान को छूते इमारत की बुनियाद भी जमीन में है। आप इसे हवा में खड़ा नहीं रख सकते। कुछ दिन ठहर जाओ इस शहर में, कुछ दिन और काट लो, ये सब आदर्श खुद ब खुद भूल जाओगे। Let us see. लो पियो, सेब का रस। थैंक यू। चेयर। चेयर। रिंका पिलाकर प्यार की बातें करते हो, कंजूस कहेंगे। और तुम? अरे अजय, आज तुमसे दोबारा मुलाकात हो गई दोस्त, और वो भी ऐसी मजेदार जगह। जी, बीच पर पैदल चलकर सेहत बना रहे थे हम लोग के। किरण को प्यास लगी। किरण? नमस्ते किरण जी, आप हैं? मुझे मोहन कहते हैं। आइए अंदर चलें, आज आप हमारे मेहमान हैं। अरे चलिए ना।
बेशरम औरत है। पैसा कमाने के लिए औरत इतना गिर सकती थी, अपने जिस्म की यूं नुमाइश कर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती। जरा सोचो तो सही, ये भी तो एक कला है। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जाओ और जी भर के उसकी कला का नमूना देखो, मैं चली। सुन बॉस, मोहन पुलिस के चक्कर में आ गया है और सारा माल उसके पास है, समझ नहीं आता क्या किया जाए। Thank you.
और तुम उधर देखो जाओ। क्यों बचाया? कुछ न समझी, खुदा करे कोई। खुदा ने नहीं समझना, मैं पूछ रहा हूं। तुम्हें केशवलाल से कोई डर नहीं? मैं किसी की गुलाम नहीं हूं, मेरे दिल पे सिर्फ मेरा अधिकार है। मैं इस फरेब में नहीं आने वाला, यह याद रखना। फरेब? तुम प्यार को फरेब कहते हो? प्यार? किस मर्द या औरत का नाम है मैं उससे भी मिला नहीं, और ना ही प्यार नाम की किसी चीज से मेरा कोई वास्ता है। बहुत कठोर, बहुत निष्ठुर हो तुम। अच्छा हुआ तुम जल्दी समझ गई। और उस दिन जो होटल में मिले, मुझे देखा, मेरे साथ दो कदम चले, और आज जो चार घड़ियों के साथ रहा, वो सब क्या नाटक था। एक बेमानी जिंदगी का एक बेमानी लम्हा था। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ मोहन। कोशिश भी नहीं करना रेखा, मैं अपने दिल के दरवाजों पर ताला लगाकर उसकी चाबी जिंदगी के रेगिस्तान में फेंक आया हूँ, जहाँ उसे ना कोई देख सकता है ना ढूंढ सकता है। इसलिए तुम्हारी हर कोशिश बेकार रहेगी। लेकिन सुनो, इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं, बाहर अभी भी खतरा है। मर्द का सबसे बड़ा खतरा औरत है मोहन। कोई राह चलती मुसाफिर से भी ऐसा नहीं बोलता। मैं ऐसे ही बोलता हूं। वादा करो फिर मिलोगे? मिलोगे ना? देखेंगे। समझने की कोशिश करो मेरे भाई, मैं दुनिया देख चुका हूं, आग में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा। मैं समझा नहीं आपका मतलब। अजय, मैं आजकल तुम्हारा अखबार करम योगी पढ़ रहा हूं। स्मगलर्स के खिलाफ खूब जी भर के लिख रहे हो, लेकिन अजय तुम जानते नहीं, ये लोग जरा खतरनाक होते हैं, और फिर तुम अकेले और वो हजारों। तो क्या हुआ? वो लाखों भी हो तो भी उनके खिलाफ लड़ता रहूंगा, लिखता रहूंगा, ये मेरा फर्ज है। चीयर्स। लेकिन मेरे भाई, अगर तुमने चंदादी पकड़वा भी दिए तो क्या इस दुनिया से बुराई खत्म हो जाएगी? खत्म तो नहीं होगी, लेकिन कम जरूर हो जाएगी। क्यों खतरे से खेल रहे हो अजय? शादी शुरी कराओ, घर बसाओ, जाने दो इन चक्करों को। आप शायद समझे नहीं मोहन बाबू, ये चक्कर नहीं, मेरा मकसद है, मेरी मंजिल है, मेरा उद्देश्य है,
ये मकसद, ये मंजिल, ये उद्देश्य, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, वरना माफ कीजिएगा मुझे कहीं जाना है, चाय के लिए शुक्रिया। मैंने कहा नमस्ते जी। ओ हेलो। हुजूर मुझे किरण कहते हैं, पहचाना तो? मुझे परेशान मत करो, चिट्ठी लिखने दो। प्रणाम माता जी, किरण का भी प्रणाम। ओफो, आपको किसी ने ये नहीं बताया कि किसी की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए? मुझे क्या मालूम, मुझे तो बाबा ने कहा है अपने दिल में कुछ नहीं रखना चाहिए, और माँ ने भी कहा है घट घट में राम बसते हैं जिसकी नजरों से कुछ नहीं छुपा। देखो किरण, कुछ देर के लिए चुपचाप वहाँ बैठ जाओ ताकि मैं चिट्ठी खत्म कर लूं। लेकिन मैं तो कहना चाहती हूं। जाओ प्लीज। ठीक है। सुनो सुनो, मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में? सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल बंदरिया। क्या चिट्ठी लिख रहे हो या रामायण? कब खत्म होगी? कमाल है, हम इतनी दूर से आपसे मिलने आए हैं और आप हमसे बात तक नहीं कर रहे हैं। आपको बातें करने का इतना ही शौक है ना, तो इससे बातें कीजिए, मैं जल्दी से चिट्ठी खत्म कर लेता हूँ। अपना
अजय बाबा किरण तुम यहाँ हॉस्टल में बैठे बैठे बोर हो रही थी तो इस बोर से मिलने चली आई यू नॉटी गर्ल बाबा आप आइए बैठिए ना रेखा ये अजय जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था कर्मयोगी का एडिटर और इसी साल वकालत का इम्तिहान भी पास किया है अजय अच्छा। ये सुनिए लगता है मैंने पहले आपको कहीं देखा है कहाँ देखा है किसी होटल में बाबा हा? मुझे भी जरूर काम याद आ गया है आइए बेटी आप आइए तो मैं बताती हूँ अरे बाबा ये क्या न चाय न कुछ कुछ देर रुक के जाइए ना बेटा फिर कभी अच्छा बेटी तुम भी कमाल करती हो घर आए मेहमान को चाय पूछी ना कुछ उसकी वंशावली शुरू कर दी लेकिन ऐसा नहीं लगता हमने कि इस मेम साहब को देखा है अरे देखा होगा भाई बंबई इतना बड़ा शहर है बेटी अरे कैसा लगा बहुत अच्छा लगा किरण ने बहुत अच्छी तकदीर पाई है लेकिन बेटी तुम तो वहाँ जरा देर भी नहीं ठहरी बाबा किरण को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे बहुत प्यार करूं अपने गले से लगा लूं उसकी ढेर सारी बातें सुनो अपने मन की प्यास बुझा लो लेकिन लेकिन बेटी उसकी आंखों में नफरत देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई बाबा अच्छा, हिम्मत नहीं अच्छा। अरे वो तो अपना पर्स भूल गई सुनिए 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 वो तो चली भी गई अरे पर्स खोल के देख लो ना टेलीफोन नंबर या एड्रेस लिखा होगा उसके अंदर अच्छा मेरी तस्वीर इस पर्स में बाबा की चिट्ठी कम इन तुम आप यहाँ कैसे आप अपने पर्स भूल आए थे ये लीजिए थैंक यू आइए बैठिए आपने क्यों तकलीफ की किसी के हाथ भिजवा दिया होता मुझे आपसे मिलना था ना बस देख लीजिए सब चीजें तो ठीक है ना कैसी बातें कर रही हैं आप आपका पता जानने के लिए मुझे आपका पर्स खोलना पड़ा लेकिन उसमें अपनी तस्वीर देख के मुझे बड़ी हैरानगी हुई कैसे है मेरी तस्वीर आपके पर्स में तस्वीर बाबा ने मुझे दी थी उस दिन बाबा आपको अजय क्या लेकर क्यों आए थे कौन लगती हैं आप मेरी मैं कोई भी तो नहीं क्यों मेरी बहन कहते हुए आपको शर्म आ रही है ना ये झूठ है ये बिल्कुल झूठ है मेरे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं काश ऐसा होता लेकिन बाबा का लिखा हुआ खत तुम्हारे नाम ये झूठ नहीं कह तो ये झूठ है बाबा झूठ है तुम्हारे मेरा कोई नाता नहीं काश ये रात जानने से पहले मैं मर जाती भगवान ने मेरे साथ कितना बड़ा मजाक किया क्या पाप किया है मैंने किरण मत छुओ मुझे तुम्हारे हाथों से पाप की बू आ रही है दुनिया में मेरा कोई नहीं ये जानकर एक देवी मेरी परवरिश कर रही है मुझे पढ़ा लिखा कर मेरी जिंदगी को संवारना चाह रही है लेकिन जब उसे पता चलेगा कि मेरी बहन एक जलील औरत है तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी तो उसे नफरत करने लगेगी और मैं फिर से नावारिस हो जाऊंगी जाऊंगी बस बात करो मैं पूछती हूँ वो कौन सी लाचारी थी जिसकी वजह से तुम इतनी गिर गई वो कौन सी बेवसी थी जिसकी वजह से तुमने अपनी शराफत रास्ते पे निकाल ली काश मैं तुम्हें बता सकती तुम कुछ नहीं बता सकती कुछ नहीं तुम अपने नंगे जिस्म की नुमाइश करती रही तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी भी एक बेसहारा बहन है और तुम्हारी काली करतूतों का मनहूसाया उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा तुम बहन नहीं बहन और डर मुझे तुमसे नफरत है नफरत कमबख्त हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया है रोजाना हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ लिखता ही रहता है जिसकी वजह से पुलिस हमारे पीछे पड़ गई है किसकी बात कर रहे हो केशव अजय
और कौन? हाँ, आजकल उसके दबाव पर आदर्श का भूत सवार है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? अरे केशव सेठ, ऐसे वैसे आदमियों के लिए इतना परेशान नहीं हुआ जाता। वो ऐसा वैसा नहीं, बहुत खतरनाक आदमी है। मेरा ख्याल है कि शंकर की मौत में उसी का हाथ है। क्या कहा? हाँ मोहन, अजय ने ही पुलिस को खबर दी थी। अजय? हाँ, उसकी वजह से मैंने शंकर जैसा साथी खो दिया जो मेरे भाई के बराबर था। मेरा दायां हाथ कट गया। मैं ये सारी की सारी गोलियां उसके सीने में उतार दूंगा। केशव सेठ, अजय की मौत होगी लेकिन मेरे हाथों से होगी। शाबाश, मेरे हाथों से होगी केशव। जिन लोगों के खिलाफ आप अपने अखबार में लिख रहे हैं, जिन लोगों के खिलाफ आपने ये जहां शुरू किया है, आप नहीं जानते वो लोग कितने खतरनाक हैं। उन लोगों ने आपको खत्म करने की ठान ली है। आप किरण की जिंदगी है अजय बाबू। अगर आपको कुछ हो गया, नहीं नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ अजय बाबू, आप उनके रास्ते से हट जाइए। मुझे आपसे हमदर्दी है लेकिन जिंदगी से ज्यादा मैं अपने असूलों से प्यार करता हूँ। जिन लोगों ने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी है, आप उन लोगों से जाकर सिर्फ इतना कहिए कि दुनिया में एक चीज है जिसे मैं कभी नहीं डरा, और वो है मौत। बापू, आज से उनका और मेरा धर्म युद्ध है। अब से मेरा कर्मयोगी उनके खिलाफ डट कर लिखेगा और तब तक लिखता रहेगा जब तक इस मुल्क से स्मगलिंग का नामो निशान नहीं मिट। तो तुम आ गए, मुझे यहां देखकर तुम्हें हैरानी तो हो रही होगी। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? मैं मोहन हूं, मोहन। मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैंने सोचा था मुझे इतने वर्षों के बाद देखकर खुशी से तुम फूली न समाओगी। कौन कहता है मुझे खुशी नहीं हुई? लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा ही लगा। तुम माँ के हृदय को नहीं जानते मोहन। बचपन से तुम माँ से दूर रहे। खैर जाने दो, तुम कुशल से तो हो ना? कुशल से तो बहुत आगे बढ़ गया हूँ। पिताजी की भविष्यवाणी सच निकली, एक एक अक्षर उसका सच निकला। क्या तुम्हें बुरा लगा? मुझे कुछ भी नहीं लगा। मैं इतना वैभवशाली हो गया फिर भी तुम्हें कुछ नहीं लगा? क्यों नहीं, वैभव की मेरी कल्पना तुम्हारी कल्पना से अलग है। तुम वैभवशाली जरूर हो गए, पर मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ मेरा संतोष तुम्हें नहीं मिला। अरे संतोष वंतोष मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ दौलत को समझता हूँ। आज मेरे पास सब कुछ है, दुनिया मेरे पांव में झुकती है और मुझसे डरती है, और मैं किसी से नहीं डरता। भगवान से भी नहीं? भगवान जिसे किसी ने देखा नहीं, जो किसी को दिखा नहीं, उससे उससे क्या डरना? मेरी कोई पूछताछ नहीं की तुमने, मैं कहां रहता हूं क्या करता हूं कुछ भी तो नहीं पूछा तुमने। तुमने भी तो नहीं बताया। मैं तुम्हें बताऊं भी तो क्या, और फिर तुम्हें अच्छा भी तो नहीं लगेगा। अच्छा तो मैं जाऊं अब। तुम्हारी मर्जी। ठीक है, जाता हूं। मोहन, तुमने ये नहीं बताया तुम यहां क्यों आए थे?
यहाँ क्यों आया था? अजय से मिलने। अजय? हाँ, मेरा बेटा। क्या वो जानता है कि उसका एक बड़ा भाई भी है? क्या तुमने उसे कभी बापू या उसके भाई के बारे में कुछ नहीं बताया? क्या तुम चाहती हो कि वो हमारे बारे में कुछ जाने? नहीं। गया काम, ले लिया आपने बापू की मौत का बदला। अरे अरे, दिखाने की कोई जरूरत नहीं, हम जानते हैं तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है, एक ही गोली में खत्म हो गया होगा। रिवाल्वर से काम नहीं लिया, खैर कोई बात नहीं। अरे आदमी को खत्म करने के और भी बहुत से तरीके हैं, लाश तो ठिकाने लगा दी ना। इसका मतलब यह है कि काम नहीं हुआ। बॉस, हम मारे गए, हम सब के सब मारे गए। क्या हुआ? ये देखिए, इस अजय के बच्चे की हिम्मत यहां तक बढ़ गई है, लिखता है टॉप आदमी का नाम पेपर में देने वाला है। क्या जमाना आ गया है, समझ में नहीं आता कि कौन किसका एतबार करे। यही मोहन कल अपने बाप शंकर के साथ इस शहर में नंगे पांव दाखिल हुआ था, मैंने इन दोनों की मदद की। आज जो कुछ उसके पास है वो मेरी वजह से है, मेरे पैसों पर ऐश करता है, और मुझ पर जरा सी मुश्किल पड़ी तो साथ छोड़ गया। हंस क्यों रहे हो? हंसने की ही तो बात है बॉस, मोहन की चाल तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। वो इस मौके के इंतजार में है कब आपका नाम पेपर में निकले, उसके बाद आप जेल के अंदर और वो आपकी कुर्सी पर। ये दौलत, ये जगह, ये इमारत ऐसे ही नहीं बनी है, इसको बनाने के लिए न जाने मैंने कितनों का खून बहाया है, कितने खतरों का सामना किया है। अगर आज कोई इस इमारत को गिराने की कोशिश करे तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब तुम ही मेरे भरोसे के आदमी हो, अजय को मेरे रास्ते से तुम हटाओगे और मोहन से मैं निपट लूंगा। न्यू ईयर ईव पर मैं किसी न किसी तरह अजय को होटल में बुलवा लूंगा। रात के ठीक 12 बजे एक मिनट के लिए अंधेरा होगा, सायरन बजेंगे, गुब्बारे फटेंगे, उस शोर गुल में गोली की आवाज का कहीं पता भी नहीं चलेगा और अजय का काम तमाम हो जाएगा। वंडरफुल। नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे उसी दोस्त ने मेरे घर में बैठकर पुलिस को खबर दी थी। यू आर लाइंग माई गर्ल। और तुम्हारे उसी दोस्त ने दोस्ती का दम भरते हुए तुम्हारे बापू को फांसी दिलवा दी। यू आर ए डैम लायर। तुम्हारी सारी जिंदगी छल कपट के सिवा कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें मालूम था तो अब तक चुप क्यों रही? बोलो, खामोश क्यों रही? क्योंकि उसने मेरी बहन को मार डालने की धमकी दी थी। एक और झूठ। तुम्हारी जिंदगी का मकसद मजहब, धर्म और ईमान और सारी यारी दोस्ती पैसा है, सिर्फ पैसा। केशवलाल ने तो पैसे देने बंद कर दिया तो तुम मुझसे पैसा बटोरने के लिए कहानी घड़ लाई। तुम्हें पैसा चाहिए। लो पैसा, लो पैसा। अब क्या दिखाने लगी हो? अपने दोस्त की आवाज को पहचानते हो? तो लो सुनो। हेलो, पुलिस इंफॉर्मेशन। हाँ जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनाने वाला हूं। जी, आज रात के 12 बजे बसीम की खाड़ी में स्मगलिंग का बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है।
दिलवाले ये भी सुन ले तुम भी सुन लो हम भी किसी से कम नहीं हम भी किसी से कम नहीं आज फैसला हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा आज फैसला हो जाएगा तुम नहीं या हम नहीं हाँ हाँ तुम नहीं या हम नहीं फैसला हो जाएगा पर्दे में रहने दो क्यों अपनी औकात दिखाती हो हाँ क्यों औकात दिखाती हो छोटी सी चींटी हो कर क्यों पर्वत से टकराती हो हाँ पर्वत से टकराती हो दम भर के लिए भी ठहर सको दम भर के लिए भी ठहर सको इतना भी तुम में दम नहीं हाँ इतना भी तुझ में दम नहीं आज फैसला हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा आज फैसला हो जाएगा तुम नहीं या हम नहीं हाँ तुम नहीं या हम नहीं तुम और से टकराते हो तुम और से टकराते हो ये मर्दों वाला काम नहीं क्या इसका नतीजा निकलेगा सोचा तुमने अंजाम नहीं सीने में अगर कुछ हिम्मत है तो हमसे आंख मिलाओ तुम हस्ती को मिटाकर ना रख दूं तो मोहन मेरा नाम नहीं जब हम मैदान में आ ही गए जब हम मैदान में आ ही गए ये समझो के फिर तुम नहीं ये समझो के फिर तुम नहीं आज फैसला हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा आज फैसला हो जाएगा तुम नहीं या हम नहीं तुम नहीं बस तुम नहीं है तेरी ये मजाल तुम मुझसे करे सवाल तेरी छुट्टी करा दूं तेरा तख्ता उड़ा दूं अरे बेमौत ना मर तो अपनी ही फिक्र कर बुरा हर काम मेरा कयामत नाम मेरा मैं चुटकी से मसल दूं मैं जूते से कुचल दूं जुल्म से मेरा रिश्ता मौत का मैं फरिश्ता नहीं कोई मेरा सानी तू मांगे गाना पानी हो काला नाग हूँ मैं तो जलती आग हूँ मैं मिटा कर खाक कर दूं जला कर राख कर दूं गुनाह और पाप हूँ मैं तेरा भी बाप हूँ मैं क्या तेरा भी बाप हूँ मैं क्या
मोहन, इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत तुम पर यह इल्जाम है कि तुमने 31 दिसंबर की रात को मकतूल केशोलाल वल्द शादीलाल का खून किया। तुम्हें अपने जुर्म का इकबाल है? नहीं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन फिर भी अपने बचाव के लिए तुमने कोई वकील मुकर्रर किया है? मैं किसी वकील का मोहताज नहीं, अपना वकील खुद हूं, अपनी हिफाजत में खुद करूंगा। क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि जो इल्जाम तुम पर लगाया गया है वो कितना संगीन है? अगर जुर्म साबित हो जाए तो तुम्हें मौत की सजा भी हो सकती है। मौत? जिस दिन से शहर में कदम रखा है हम दोनों साथ ही साथ तो चल रहे हैं। ये बहुत पुरानी दोस्ती है जज साहब। यू मे प्रोसीड। मैं सरकारी वकील की हैसियत से इस मुकदमे की पैरवी कर रहा हूं। मेरा पहला गवाह इंस्पेक्टर तारगुंडे, जिसने मुल्जिम को मौके वारदात पर गिरफ्तार किया। क्या वो जानता है कि उसका एक बड़ा भाई भी है? क्या तुमने उसे कभी बापू और मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? तुम चाहती हो कि वो हमारे बारे में कुछ जाने? नहीं। योर ऑनर, मेरा दूसरा गवाह है भिखु कांतीराम। मुंशी जी, अरे सुना, इंस्पेक्टर तारकुंडे ने मुल्जिम मोहन की घंटी बजा कर रख दी। कह रहा था वकील नहीं चाहिए। पागल? अरे पागल तो है, अगर मैं इसका वकील होता जनाब तो मैं तारकुंडे का कुंडा बना के रख देता। मगर क्या करें, हमारा कुंडा हुआ हुआ है। तुम इधर कलम घसा घसा कर रहे हो और मैं जनाब यहाँ टाइपराइटर का हारमोनियम बजा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग का टाइपराइटर कहता है कि मुल्जिम मोहन जीते। अरे मेरी घिसी हुई कलम ये कहती है कि मोहन हारेगा। अरे जैसे तेरी ये घिसी हुई कलम है ना, वैसे ही तेरा दिमाग भी गिर गया है। अरे 10 का भाव देता हूँ मुल्जिम मोहन छूटे 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 छूटे। हो गई 1 की, मोहन को हो जाएगी फांसी। क्या तुम पूरे यकीन के साथ कह सकते हो कि मकतूल का कत्ल करने वाला मुल्जिम मोहन ही है और दूसरा कोई नहीं? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से मुल्जिम को केशवलाल पे गोली चलाते हुए देखा है। क्या तुम बता सकते हो कि मुल्जिम ने केशवलाल का खून क्यों किया? जरूर बता सकता हूँ। कुछ दिनों से मुल्जिम को शक हो चला था कि उसके बाप को फांसी दिलवाने में केशवलाल का हाथ है। या विटनेस सर। अब मरा मोहन के लिए फांसी का फंदा तैयार है। माल पानी माल तैयार रखो। अरे काका राम, हो गया 20 का पाव, हो गया 2 का। अरे हो गया। तुमने अदालत में सच बोलने की कसम खाई है। तुमने कहा कि केशवलाल का खून मैंने किया। अगर मैं कहूं कि केशवलाल का खून तुमने किया तो खून तुमने किया भीखु घासीराम, और कानून की गिरफ्त से बचने के लिए तुम सरकारी गवाह बन बैठे। सर, I very strongly object to the harassment of my witness. Your Honor, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि ये सरकारी गवाह इस अदालत के सामने सिर्फ सच्चाई का बयान करे, और सच्चाई ये है कि इसी गवाह ने अपने हाथों से खुद केशवलाल का खून किया। इस सच्चाई पे 100 का भाव। क्या ये सच नहीं कि कुछ दिनों से तुम में और केशवलाल में अनबन चली आ रही थी? खामोश। हाँ, तुमने उससे पैसे भी मांगे थे और उसने पैसे देने से साफ इनकार किया था। उसने फिर तुम्हें गालियां भी दी, फिर घर से भी निकाल दिया। उसके बाद तुम मेरे पास आए थे और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुमने मुझसे मदद मांगी थी, याद है? आज रात को क्लब में न्यू ईयर पार्टी है और उस पार्टी में अजय भी आ रहा है। और उसी पार्टी में ठीक रात के 12 बजे जब बत्तियां गुल होंगी, केशव अजय को मार डालेगा। क्या
बहुत अच्छा मौका है मोहन सेठ, हम दोनों मिलकर केशव को खत्म कर सकते हैं। तुम्हें याद है उस दिन मैंने तुमसे क्या कहा था? याद है? यही कि मैं मच्छर और मक्खियों के खून से अपने हाथ मैले करना नहीं जानता, और तुमने कहा था कि अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो तुम अकेले ही केशवलाल का खून कर डालोगे। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब यह तो है कि तुम मेरे पास आए थे। योर ऑनर, इसने जो दिन को कहा था वो 31 दिसंबर की रात को पूरा कर दिखाया। इसने अपने हाथों से केशवलाल का खून किया। नहीं, मैंने खून नहीं किया योर ऑनर, ये झूठ है, ये गलत है, मैंने कोई खून नहीं किया योर ऑनर, मैंने कोई खून नहीं किया। योर विटनेस, अरे तुम्हारे वकील की फांसी बंद हो गई, तुम्हारी खटिया खड़ी हो गई। तो उस दिन तुमने अपनी आंखों से मुझे केशवलाल पर गोली चलाते देखा? जी। तुम्हारा नाम? ज्योति। तुम्हें कुछ लोग मिस जूलियट के नाम से भी जानते हैं, है ना? हाँ। योर ऑनर, इस पॉइंट को अदालत नोट कर ले, इसलिए कि ये दो नाम एक ही मैडम के दो रूप हैं, एक और दो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये गवाह के किरदार पर हमला किया जा रहा है। योर ऑनर, मेरी सिर्फ इतनी सी कोशिश है कि मैं इस गवाही का असली रूप जानने में इस अदालत की मदद करूं। इस दो रूप पर 200 का भाव, अरे अब तो जज भाई भी मेरे साथ है। क्या ये सच है कि एक रात बैलट पियर की एक गली में कुछ गुंडों ने तुम्हें घेर लिया था? हाँ। अदालत को बताओ कि उन गुंडों से तुम्हें किसने बचाया? तुमने। और हमारे मुअज्जिज़ दोस्त सरकारी वकील साहब ने भी। उसके बाद तुमने मुझे अपने घर आने की दावत दी। हाँ। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी इज्जत बचाई थी। नहीं, इसलिए कि लोगों को घर बुलाना तुम्हारा धंधा है। बाड़े मेरे शेर, इस धंधे पर मेरा भी धंधा, अरे टाइप राइटर का पाव। मिस जूलियट, सॉरी मिस ज्योति, एक दिन तुम्हारे बुलाने पर मैं तुम्हारे घर आया। अपनी रक्षा के लिए चलाई थी। हाँ। और अगर गोली ना चलाता तो वो लोग मुझे मार डालते। मार डालते ना। और उस रात भीकू भी वहीं छुपा हुआ था? नहीं नहीं, सच कहो, था या नहीं? था। ये सब भीकू और केशवलाल का प्लान था। था। तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे मार डालने की साजिश की थी। साजिश की थी।
वो हुंडे केशव लाल ही के पालतू गीदड़ थे जिन्होंने तुम्हें सड़क पर घेर कर अगवा करने का नाटक खेला। अदालत को बताओ कि केशव लाल से तुम्हारा संबंध था, कहो था या नहीं। योर विटनेस, तुम कह क्यों नहीं देती कि तुम्हारा केशव लाल के साथ कोई संबंध नहीं था। था, मेरा उससे संबंध था। वो धोखेबाज था, उसने मुझे धोखा दिया था। अच्छा हुआ कि वो मर गया, उसे मर ही जाना चाहिए था। अरे मुझे मारकर तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम शहर में अकेले आए थे? मुझे मेरे बापू लेकर आए थे। योर ऑनर, अदालत के रिकॉर्ड्स के मुताबिक मुल्ज़िम मोहन का बाप एक नामी स्मगलर था। जब पुलिस उसे गिरफ्तार कर रही थी, उसने पुलिस ऑफिसर को अपनी गोली का शिकार बनाया और अदालत ने उसे मौत की सजा दी थी। क्या ये सच है? सच है, सब लोग जानते हैं। तुम्हारे बापू स्मगलर क्यों बने? शायद उनमें इतना सब्र नहीं था कि कर्म करें और फल का इंतजार करें। वो अपने कर्म का फल तुरंत चाहते थे। वो अपने कर्मों का फल तुरंत चाहते थे और यही बेसब्री उन्हें फांसी के तख्ते पर ले। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इन सवालों का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है योर ऑनर, मैं ये साबित करना चाहता हूँ जैसा बाप वैसा बेटा। ऑब्जेक्शन ओवररूल। मुजरिम मोहन, जुर्म तो तुम्हें विरसे में मिला है। तुमने अपने मुजरिम बाप की शानदार रवायत को कायम रखा। तुमने अपने मुजरिम बाप की दीदा दिलेरी को दोहराया। बस, जो लफ्ज तुम मेरे बापू के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, क्या वही लफ्ज अपने बाप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो? अगर वो यही करते जो तुम्हारे बापू ने किया है, तो मैं उन्हें भी जिंदगी भर माफ नहीं करता। वकील, शरणगाम नाम के गांव का नाम सुना है? हाँ, हम वहीं के रहने वाले हैं। वहां एक औरत दुर्गाबाई के नाम से रहती थी, वो नाम सुना था? तुम उन्हें कैसे जानते हो? सुना है या नहीं? वो मेरी माँ का नाम है। तो फिर अपनी माँ से जाकर पूछो कि तुम्हारे बाप की मौत भी इन्हीं हालात में हुई थी या नहीं। तुम एक और झूठ बोल रहे हो। ये सच है, मोहन तेरा बड़ा भाई है। मोहन मेरा बड़ा भाई? हाँ। और ये बात तुमने मुझसे छिपा के रखी है, क्यों माँ क्यों? अंधेरे में पड़े हुए दुर्भाग्य को खोजकर तुझे क्या मिलता? दुख, संताप, आत्मग्लानी। मैं नहीं चाहती थी कि उसके काले कर्मों की परछाई भी तुझ पर पड़े। लेकिन माँ, हो सकता है हम उन्हें सीधे रास्ते पर ले आते। बाप बेटे ने जानबूझकर, सोच समझकर वो रास्ता अपनाया था। सत्कर्म करके फल के लिए इंतजार करने का सब्र उनमें नहीं था। वो अपने कर्मों का फल तुरंत चाहती थी। लेकिन माँ, अब मैं क्या करूं? तू अपने धर्म का पालन कर। तो क्या? तो क्या अब मैं अपने भाई की मौत का कारण बनूं? किसी के कर्मों की सजा देना ना देना क्या हमारे हाथ में है? और फिर उसे तो अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है, तो उसे बदल नहीं सकता। और भगवान ने गीता में कहा है, भाई बहन सगे संबंधी इन सब नातों का मोह त्याग दे। मैं सब समझता हूँ माँ, सब जानता हूँ, लेकिन तू अपना कर्तव्य कर। माँ, मैं अर्जुन नहीं हूँ। मैं अपने भाई की मौत का कारण नहीं बनूंगा। उस पाप की परछाई का जीना क्या और मरना क्या? बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए? आप भी क्या याद रखेंगे वकील साहब, ये लीजिए हमारा तोहफा।
इससे बड़ा आपको और क्या सबूत चाहिए वकील साहब? देर मत कीजिए, फांसी का फंदा मोहन के गले में, रस्सी आपके हाथ में, बस खींच ही डालिए। बस इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए आपको वकील साहब? फंदा मेरे गले में और रस्सी आपके हाथ में, बस खींच डालिए। भीखू भी यही कहता था। भीखू ने ठीक ही तो कहा। तो क्या आप भी यही चाहते हैं कि भाई भाई की मौत का कारण बने? मेरी मौत से डरते हो अजय? मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, कहीं है डर या डर की छाया? नहीं अजय, अजय मैं उस बाप का बेटा हूं जो कभी हारा नहीं, कभी डरा नहीं, जो मौत के पीछे पीछे नहीं उससे आगे चलकर गया है इस दुनिया से। अजय अजय, मन को मजबूत करो, सीना तान कर अदालत में खड़े हो जाओ, आखिर तुम्हारी जीत में मेरी ही तो जीत है। काश मां ने ये राज मुझसे न छुपाया होता। एक तरफ मेरा आदर्श है, मेरा धर्म है, और दूसरी तरफ मेरा भाई। योर ऑनर, जो रिवॉल्वर मुझे तस्वीर में दिखाया गया और मेरा रिवॉल्वर एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, यही मैं कोर्ट में साबित करना चाहता हूं। इजाजत है? मैं अदालत को यही साबित करना चाहता हूं कि जिस गोली से केशवलाल का खून हुआ वो गोली इस रिवॉल्वर से नहीं निकली। भीखू घासी राम, तुमने अदालत को बयान दिया कि 31 दिसंबर की रात को तुमने यही रिवॉल्वर मेरे हाथ में देखा। ठीक ही कहा। ठीक ही कहा। तुमने ये भी कहा कि तुमने मुझे केशवलाल पर गोली चलाते हुए देखा। ठीक ही कहा। ठीक ही कहा। याद करो भीखू घासी राम, तुम एक बात बताना भूल गए कि मेरे बापू को फांसी चढ़ाने में जितना हाथ केशवलाल का था उतना ही तुम्हारा। हे भगवान, ये कैसा खेल खेल रहे हो तुम मेरे जीवन से? मेरे बेटे का ये अंत, मेरे बेटे का ये अंत, ये कैसी इच्छा है तुम्हारी भगवान, ये कैसी इच्छा है तुम्हारी? यादें सता रही थी मुझे मां, मैंने देखा हम दोनों आंख मचोली खेल रहे हैं और तुम मुझे ढूंढ रही हो, और आज जबकि कुछ ही घड़ी में जिंदगी की आंख मचोली खत्म होने वाली है, तो मैंने सोचा तुम मुझे देख तो लो, मिल तो लो। तुम्हें याद भी आई तो कब, किस घड़ी? इसी बात का तो दुख मुझे भी है मां, जब मेरे पास सत्ता थी, ऐश्वर्य था,
दुनिया भर का ऐशो आराम मेरे पास मौजूद था, मगर जिंदगी के उस मोड़ पर तुम नहीं थी, तुम नहीं थी। तुम मिली भी तो इस कोठड़ी में ऐसी घड़ी। मां, जीवन के इस अंतिम सफर पे मैं किसी का कर्ज लेकर नहीं जाना चाहता। तुम्हारा एक कर्ज है मुझ पर। तुमने शरीर को जन्म दिया, पाला पोसा। मैं चाहता हूं इस सफर पे जाने से पहले तुम्हारी यह अमानत तुम्हें वापस लौटा दूंगा। ना मां, मां ना, मां तुझे शोभा नहीं देता। मां, तुझे बिल्कुल शोभा नहीं देता। मां, जी मां, इस आखिरी सफर पे मेरा जाना मुश्किल ना करना। तुझे शोभा नहीं देता मां, जाना तो मुझको पड़ेगा ही। और मां, तूने ही तो कहा था कि काल का ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन, वो सभी को खींच कर ले जाता है। और तेरा ये बेटा एक अज्ञात स्थान से आया था और एक अज्ञात स्थान को चला जाएगा। और हाँ मां, तूने ये भी तो कहा था आत्मा का ना कोई भाई है ना कोई बहन, ना कोई बाप है ना कोई मां। और हाँ मां, तू ये भी तो सुनाया करती थी कुछ, याद आ रहा है कि मनुष्य पुराने वस्त्र उतार देता है, नए पहन लेता है। मां, हाँ मां, ऐसा ही कुछ था। फिर से सुना ना मां, कहो ना, मैं फिर से सुनना चाहता हूँ मां। वासांसी जिवनानी। हाँ मां, हाँ, यही यही। मां मां, तू बोल, देख मैं तेरे साथ साथ बोलूंगा। वासांसी जिवनानी यथा विहाय। जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवानी गृहाती नरो परानी, मनुष्य नए वस्त्रों को धारण करता है। तथा शरीराणी विहाय जीर्णा। इसी तरह पुराने शरीर को त्याग कर न्यान्यानी संयाती नवानी देही, आत्मा नए शरीर को धारण करती है। Bye, Father. We meet in heaven. God bless you, my son. मेरी तरफ देखो, अगर अगला जन्म है तो हम फिर मिलेंगे, कभी ना बिछड़ने के लिए। मां ने दुनिया में बहुत दुख उठाए हैं, तुम उनकी जी जान से सेवा करना, मैं उन्हें तुम्हारे हवाले किए जा रहा हूं। हम एक ही खानदान के चराग हैं, मुझे दूर जाना है बहुत दूर, और तुम्हें अभी जलते रहना है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। नैनम दहति पावकः। आग उसको जला नहीं सकती। न चैनम क्रिद्यन् तापो। न जल उसको भिगा सकता है। अश्लोषयति महाभूतः। और न ही आत्मा को वायु सुखा सकती है। ओम ओम।